हेलो एवरीवन वेलकम टू अडा ट्वेंटी फोर सेवन क्लास आई एम सौरभ शर्मा और आज के सेशन में हम 10, 14, के में हम क्लास चैप्टर नंबर यानी कि स्टैटिस्टिक्स वन शॉट कवर करने वाले हैं तो सबसे पहले अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो बच्चों स्टैटिस्टिक्स तो हम छोटी क्लास में भी पढ़ते हुए आए हैं क्लास में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है लेकिन यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में हमें क्या करना है देखो स्टैटिस्टिक्स की जब कभी भी बात आती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में मीन मोड मीडियन आ जाता है तो यहाँ पे बिल्कुल हमें मीन मोड मीडियन ही कैलकुलेट करना सीखना है लेकिन किसका एक ग्रुप डेटा का कि जब डेटा हमारे पास बहुत ज्यादा

फाइव कोई भी बहुत सारे इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो इन सभी डेटा का ये सभी क्या है डेटा है इन सभी डेटा का अगर हम एड करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की एक दो तीन चार पांच छः सात टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है सेवन ऑब्जर्वेशन है तो इन सभी का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि सेवन कर दे तो हमारे पास क्या आता है मीन आता है लेकिन ये डेटा अभी ग्रुप में नहीं है अब यहां पे यहां पे तो सिर्फ सेवन ऑब्जर्वेशन है मान लो आपके पास थाउजेंड ऑब्जर्वेशन होती मान लो आपके पास हंड्रेड ऑब्जर्वेशन ही होती तो उन ऑब्जर्वेशन के हम क्या बना देते ग्रुप बना देते जैसे यहां पे लिख देता मैं सर वन से लेके फाइव और और भी ऑब्जर्वेशन होते जैसे मान लो फाइव से लेके फिर टेन फिर 10 से 15, फिर 15 से 20, तो ये जो आपने डैश लगा लगा कि ये क्या बना दिया ग्रुप बना दिया इन इस ग्रुप डेटा का हमें मीन कैलकुलेट करना सीखना है तो अगर हम ग्रुप डेटा का मीन कैलकुलेट करते हैं तो इसके तीन मैथड होते हैं सबसे फर्स्ट मैथड इज डायरेक्ट मैथड सेकेंड मैथड इज एज्यूमिन मैथड एंड थर्ड मैथड इज स्टेप डेविएशन मैथड एक एक करके हम क्वेश्चन लेते हैं और उन क्वेश्चन को इन तीनों मैथड से हम सीखेंगे तीनों मैथड को हम सीख लेंगे तो चलिए एक एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं जैसे यहाँ पे एक्सरसाइज फोर्टीन

तो इसका मतलब फाइव को आप किस कौन से ग्रुप के अंदर काउंट करोगे सर फाइव को मैं इस वाले सेकंड वाले ग्रुप के अंदर काउंट करूंगा अगर फोर की बात होती है तो फोर कौन से ग्रुप में आएगा सर इस वाले ग्रुप में आएगा जीरो की बात होगी तो जीरो इस फर्स्ट वाले ग्रुप के अंदर आएगा टेन की बात होगी तो टेन इस ग्रुप में आएगा क्या नहीं आएगा क्योंकि टेन यहां पे क्या अपर लिमिट है तो अपर लिमिट को हम कभी भी काउंट नहीं करते टेन से फिफ्टीन अगर लिखा जाएगा नेक्स्ट ग्रुप तो टेन इसमें काउंट किया जाएगा तो सबसे पहले ये भी आपने ग्रुप में समझ लिया कि सर ग्रुप डेटा के अंदर हम किस तरह से नंबर्स को ऑब्जर्व करते हैं तो अब हमारे पास ये एक ऑब्जर्वेशन टेबल हमारे पास दी हुई है इस डेटा का अब हमें मीन कैलकुलेट करना है तो देखो सबसे पहले हमने देखा कि सर ये जो डेटा हमारे पास है हम सबसे पहले टेबल को जो हमारे पास इस तरह से हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में थी सबसे पहले तो आप इसको इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में आप ड्रॉ कर लो अब जो डेटा हमारे पास दिया हुआ है हमने देखा कि सर डेटा कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा ब्रेक होने का मतलब क्या है कि सर ये जीरो से टू तक चला तो टू इसमें तो काउंट हुआ नहीं टू से नेक्स्ट वाली ग्रुप स्टार्ट हो गया टू से फोर फिर फोर के बाद नेक्स्ट फोर से सिक्स जहां पे एंड हो रहा है वहीं से नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब डेटा ब्रेक तो नहीं हुआ है और ये इनकी क्या है फ्रिक्वेंसीज दी हुई है तो डायरेक्ट मैथड जब हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला देखें कि सर ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मैथड से अगर करने वाला हूं तो डायरेक्ट मैथड में मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मैथड से करूंगा ठीक है हम चाहे तो कोई भी मैथड किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी डेटा में अप्लाई कर सकते हैं लेकिन बेसिकली हम डायरेक्ट मैथड तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास डेटा बहुत छोटा सा होता है जैसे यहाँ पे 0 से 2, ये 1, 2, बहुत छोटे छोटे से ऑब्जर्वेशन है फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी छोटी है डेटा हमारे पास क्या है छोटा है तो उस केस में आप डायरेक्ट मैथड अप्लाई करते हो तो, लेकिन जैसे जैसे डेटा बड़ा हो जाता है ना तो उस केस में कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम फर्दर मैथड्स अप्लाई करते हैं चाहे वो एज्यूम इन मैथड हो या फिर स्टेप डिवेशन मैथड हो तो जब हम डायरेक्ट

x i into f i upon सिग्मा एफ आई ये फॉर्मूला होता है तो अगर इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा तो यहां पे सबसे पहले मैंने देखा कि सर ये एक्स आई एफ आई क्या है एक्स आई क्या है कि सर ये जो डेटा हमारे पास है ना ये ग्रुप की फॉर्म में है यानी कि जीरो से टू टू से फोर फोर से सिक्स सिक्स से एट एट से टेन टेन से ट्वेल्व ट्वेल्थ से फोर्टीन तो सबसे पहले हमें एक वैल्यू चाहिए एफ तो ये हमारे पास गीवन है लेकिन इस एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करना है तो एक्स को किससे मल्टीप्लाई एफ को किससे मल्टीप्लाई करूं जीरो से करूं न से करूं किससे मल्टीप्लाई करूं सर इसलिए मुझे इनका क्या करना पड़ेगा एवरेज निकालना पड़ेगा कि सर ये जो ग्रुप हमारे पास है ना इस ग्रुप का हम एवरेज निकाल देते हैं अब एवरेज कैसे निकाला जाता है तो टेबल को फर्दर हमने एक्सटेंड किया और जीरो से टू दोनों को ये देखो सबसे पहले ये भी आप बेसिक कुछ टर्म्स ये भी सीख लो कि सर ये जो चीज है जीरो से टू टू से फोर फोर से सिक्स ये ग्रुप तो है ही डेटा का लेकिन इसे हम क्या कहते हैं क्लास कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं क्लास और क्लास की एक लिमिट छोटी वाली होती है जिसे हम कहते हैं लोअर लिमिट लोअर लिमिट और एक लिमिट बड़ी वाली होती है तो अपर लिमिट और इस क्लास की जो होती है है वो कहलाती है सर H से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि सर अगर कभी हमें विथ पता नहीं हो किसी भी क्लास की तो हम कैसे बताते हैं कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो तो एच इज इक्वल टू क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ठीक है तो जैसे इस क्लास की हम बात करें तो हम लिखेंगे सर अपर लिमिट टू है लोअर लिमिट जीरो है तो यहां पे क्लास की लेंथ कितनी आ जाएगी एच की वैल्यू

डिवाइड बाय टू कर दो कि यानी कि सर इन दोनों का एवरेज एक तरह से निकाल देते हैं कि जीरो से टू दोनों का सम किया डिवाइड बाय टू कर दिया तो जीरो से टू कितना हो गया सम टू डिवाइड बाय टू किया तो कितना आ गया सर वन वन ठीक है देन नेक्स्ट इंटरवल के लिए कि सर इसमें टू से फोर तो दोनों का सम किया सम कितना कितना आ आ आ रहा रहा है है सर सर डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा समय आई की वैल्यू आपके पास आती जाएगी अब ये एक्स आई की वैल्यू अगर आपको फटाफट से निकालनी हो तो इसका तरीका क्या है कि सर हमने देखा इसमें गैप कितने का है टू का यहां टू का सब में टू टू का गैप चल रहा है सब में टू टू का तो ये जो एक्स आई की वैल्यूज आएगी ना ये भी टू टू के गैप पे आएगी जैसे वन वन के बाद थ्री के गैप पे थ्री के, के, के बाद क्या आएगा नेक्स्ट फाइव फाइव के बाद नेक्स्ट क्या आएगा सेवन सेवन के बाद नेक्स्ट क्या आएगा नाइन नाइन के बाद क्या आएगा सर इलेवन इलेवन के बाद क्या आएगा सर थर्टीन Clear. आप चाहो तो इसी तरह से एवरेज निकाल के भी कैलकुलेट करके देखोगे तो भी यही वैल्यूज आपके पास एक्स आई की आती रहेगी अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मुझे तो एक्स आई, 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 तो आई की वैल्यूज है आपके पास टेबल के अंदर एफ आई की वैल्यूज है तो वन को वन से मल्टीप्लाई कर दें। कि सर कितना आएगा? वन टू से थ्री को मल्टीप्लाई किया सिक्स फाइव सेवन थर्टी फाइव Then, 9, 6 54, 11 2 22, 13 थर्टी 39। इजिली मल्टीप्लाई हो गए ना बहुत इजिली सर ये वैल्यूज़ बहुत छोटी छोटी थी इसीलिए तो मैंने इनको इजिली मल्टीप्लाई करके तुरंत डायरेक्ट मेथड लिख दिया यहां पे। तो यहां पे अब इन सभी का मुझे ये जो सिंबल है सिग्मा ये क्या बताता है सम ये किसको रिप्रेजेंट करता है सम को तो मुझे क्या करना है सर एक्स आई एफ आई के जो आपने वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आई ना इन सभी का सम करना है जब सम करूंगा तो सिग्मा एक्स आई एफ आई मिल जाएगा और नीचे क्या लिखा हुआ है सर सिग्मा एफ आई अब की बार सिग्मा के आगे क्या लिखा हुआ है एफ आई यानी f की जितनी भी वैल्यूज है ये जितनी भी वैल्यूज है उन सबका सम ठीक है तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट कर दूँ देखो सर इनको सम करते हैं वन और सिक्स सेवन सेवन और टेन सेवनटीन सेवनटीन और फोर ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन और नाइन थर्टी थर्टी और टू थर्टी टू का टू कैरी थ्री थ्री और थ्री सिक्स सिक्स और फाइव सिक्स और फाइव इलेवन इलेवन और फाइव इलेवन और फाइव हमने किया तो इलेवन में फाइव ऐड करेंगे तो वन सिक्सटी टू आ जाएगा 162 इनका सम आ गया <laughs> इसी तरह से एफ आई का सम वन और टू थ्री थ्री और वन और टू थ्री और वन फोर फोर और फाइव नाइन नाइन और सिक्स और फाइव अगर हम करें तो ये कितना आएगा सर ट्वेंटी तो अब ये दोनों वैल्यूज मेरे पास आ चुके हैं इन दोनों वैल्यूज को में पुट कर देते हैं तो यहां पे हमारे पास क्या निकल जाएगा सर ये हमारे पास मीन कैलकुलेट हो जाएगा तो एक्स बार ये डायरेक्ट मैथड था सिग्मा एक्स आई एफ आई की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी दैट इज वन सिक्सटी टू डिडेड बाई स एफ आई दैट इज इजेंटी तो डिवाइड करेंगे सबसे पहले अगर टू से इसको कैंसिल आउट करूं तो ये ऊपर आएगा एटी वन डिवाइड अब नीचे टेन व तो बहुत ईजी हो गया सर ये एक्स बार यानी मेन आ गया हमारे पास कितना एट पॉइंट वन तो ये जो गिवन डेटा था हमारे पास ग्रुप ऑफ डेटा था इसका हमने मेन कैलकुलेट कर दिया दैट इज एट पॉइंट वन हो गया सॉल्व इजीली चलिए ऐसे और क्वेश्चंस भी हम करके देखते हैं अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अब की बार कि सर यहां पे हमें ऊपर चाहे कुछ भी दिया हुआ हो हमें क्या कैलकुलेट क्या, क्या, क्या कर रहा है सर मीन कैलकुलेट करना है डेटा आपके पास ये है अब देखो डेटा की वैल्यूज बढ़ गई जहां पहले वन टू थ्री फाइव इस तरह के छोटे छोटे नंबर थे अब बार यहां हंड्रेड से वन ट्वेंटी से वन फोर्टी से वन बड़े बड़े नंबर आ गए ग्रुप्स बड़े बड़े हो गए फ्रिक्वेंसीज भी देखो ट्वेल्व फोर्टीन एट सिक्स टेन फ्रिक्वेंसी तो फिर भी छोटी है लेकिन ये नंबर हमारे पास बड़े बड़े आ गए तो आप चाहो तो यहां पे डायरेक्ट मैथड भी कर सकते हो और चाहो तो यहां दूसरा मैथड आप अप अप्लाई कर सकते हो फर्दर इसको और ईजी करने के लिए तो देखो अभी हमारे पास ये जो डेटा है ये किस में सर हॉरिजोटल तो सबसे पहले क्या करूं इसको वर्टिकल फॉर्म में कर दू कि सर ये हमारे पास ग्रुप दिए हुए हैं ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज है तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं सर एक्स आई निकालूंगा एक्स आई हमने निकाला

एज्यूम मीन मैथड ठीक है एज्यूमीन मैथड एज्यूमीन मैथ कहता है कि सर मीन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले कोई भी डेटा है हमारे पास तो मीन कैलकुलेट करेंगे हम उसका इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एक्स बार फॉर्मूला क्या लिखते हैं कि सर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई फॉर्मूला होता है तो यानी कि मुझे अगर मीन कैलकुलेट करना है वो भी किससे से। तो इन फॉर्मूले की कैलकुलेट करनी पड़ेगी अब ए क्या है सर ए रिप्रेजेंट करता है एज्यूम मीन को नाम ही क्या है मैथड का सर एज्यूम मीन मैथड यहां पर एज्यूम करेंगे हम हमारे पास ए क्या होता है ए किसको रिप्रेजेंट करता है सर एज्यूम मीन को एज्यूम मीन को कि एज्यूम मीन का मतलब क्या है सर कि सर ये हमारे पास एक्स आई की जो डिफरेंट डिफरेंट इतनी सारी वैल्यूज है ना हम इसमें से एक वैल्यू को एज्यूम करते हैं कि ये इसका मीन हो सकता है ये इसका मीन हो सकता है अब एज्यूम करने की बात आई तो आपने कहा सर मैं कैसे एज्यूम करूं किसको एज्यूम करूं मैंने कहा आप किसी को भी कर सकते हो जैसे ये 110, 110 है 130 है 150 किसी को भी आप एज्यूम कर सकते हो किसी को भी किसी को भी एज्यूम कर सकते हो जैसे यहां पे जनरली हम क्या करते हैं कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए जो सर मिडिल वाली वैल्यू होती है ना उसको हम एज्यूम कर लेते हैं मिडिल वाली वैल्यू तो सबसे पहले एक्स आई की इतनी सारी वैल्यूज थी उनमें से मिडिल वाली वैल्यू हमें कौन सी दिखी सर ये 150 दिख रहा है तो इससे मैं क्या कर लेता हूँ एज्यूम कर लेता हूँ कि सबसे पहले तो हमने इसको एज्यूम कर लिया कि सर ये 150 है ना इससे हमने एज्यूम कर लिया कि ये एज्यूम मीन है कि हम मीन तो वैसे कैलकुलेट करेंगे लेकिन एक एज्यूमशन के थ्रू हमने यहाँ पे बता दिया ये एज्यूम मीन है अब ए की वैल्यू आ गई तो नेक्स्ट हमें अब क्या चाहिए सर आगे फॉर्मूला लिखा है एफ आई अब ये डी क्या है सर एफ तो ये रहा समझ में आता है लेकिन आई क्या है आई करता है रिप्रेजेंट करता डेविएशन को किसको रिप्रेजेंट करता है डेविएशन को कि सर अगर हम डी आई की बात करें तो डी आई क्या होता है सर डी क्या रिप्रेजेंट करता है डेविएशन 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 का मतलब कि सर हम जनरल लैंग्वेज में अगर बात करें डेविएशन का मतलब क्या होता है कि सर अगर मैं किसी पाथ से चल रहा हूँ स्ट्रेट पाथ पे चल रहा हूँ और अगर मैं इधर उधर इधर उधर अपने पाथ से सर डेविएट होता हूँ तो उसे हम क्या कहते हैं डेविएशन कहते हैं तो यहाँ पे ये जो एक्स आई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है ये इस एज्यूम मीन से कितना डेविएट हो रही है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें तो हम लिखेंगे सर यहाँ पे डेविएशन का देखो टेबल को आगे एक्सटेंड करेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले डेविएशन होता क्या है इसका फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं कि सर एक्स आई उसमें से आप ए एज्यूम मीन जो कैलकुलेट किया है उसको माइनस कर दो उसको माइनस कर दो तो हमारे पास डेविएशन पता लग जाएगा तो हम यहाँ पे फर्दर टेबल को एक्सटेंड करते हुए हम यहाँ पे डेविएशन कैलकुलेट करेंगे डीआई अब डीआई क्या फॉर्मूला लिखा आपने एक्सआई माइंस ए एक इतना है सर 150 है तो देखो सर इस टेबल को हमने हाँ आगे एक्सटेंड किया देखो सर कि ये वाला डेटा 110 एंड टेन एज्यूम इनसे कितना डिवेट हो रहा है कि इन दोनों को माइनस कर देते हैं सर वन हंड्रेड एंड टेन में से वन फिफ्टी माइनस करोगे तो कितना आएगा सर माइनस का फोर्टी वन थर्टी में से वन माइनस करोगे वन फिफ्टी को तो कितना आएगा सर माइनस का ट्वेंटी देन कितना जाएगा जीरो देन कितना आएगा ट्वेंटी देन कितना आएगा सर फोर्टी

सर इधर 12 है इधर 40, माइनस फोर्टी तो क्या आएगा माइनस का 12 फोर जा फोर्टी तो माइनस फोर ठीक है 14 टू सा ट्वेंटी तो माइनस का 280. एटी

एट और एट सिक्सटीन का सिक्स कैरी वन फोर और टू सिक्स और वन सेवेंटी माइनस का सेवन सिक्सटी और इन दोनों का सम प्लस में कितना आ रहा है कि सर देखो ज़ीरो फोर और जीरो और टू टू फोर और वन फाइव या या सम तो इनका सम करेंगे तो कितना आएगा सर ज़ीरो सिक्स में से टू किया फोर या आया टू फोर्टी लेकिन माइनस का तो हम लिखेंगे सर माइनस का टू फोर्टी आ रहा है वैल्यूज आई सिग्मा एफ आई कैलकुलेट करके देखो कि सर इन सब का सम तो 12 और 14 करोगे कितना आएगा 26 26 में अगर 6 26 26 में अगर 6 ऐड कर दूं तो 26 और 26 में 6 ऐड करेंगे 32 32 में 8 ऐड करें तो सर 32 में 8 ऐड किया 40 और 10 और ऐड किया तो कितना हो गया सम 50 वैल्यूज पुट कर दें फॉर्मूले के अंदर आपने ए बता दिया ए कितना है सर 150 है तो यहां पे लिख देते हैं सर फॉर्मूले में देखिए इस फॉर्मूले में x बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आपने निकाली ए एज्यूम किया था आपने 150 तो लिखा सर यहां पे 150 प्लस सिग्मा fi di तो fi di कितना है माइनस का 240 अपॉन सिग्मा fi दैट इज 50 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया देखो हमारे पास क्या आ रहा है सर 150 माइनस 240 में अगर मैं 2 5 का डिवाइड करूं तो माइनस में मेरे पास कितना आ जाएगा सर 4.8 तो 150 में से 4.8 लेस कर दो तो पहले तो 4 लेस किया तो 146.8 और लेस किया तो 145.2 145.2 ये हमारे पास क्या हो गया मीन कैलकुलेट हो गया और ये कौन सा मेथड हमने सीख लिया कि सर एज्यूम मीन मेथड हमने सीख लिया 145.2 ये हमने क्या कैलकुलेट कर दिया इसका मीन हो गया सॉल्व इजीली चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब की बार कि सर ये हमें एक ग्रुप डेटा दिया हुआ है ग्रुप डेटा दिया हुआ है और इसमें हमें कैलकुलेट क्या करने के लिए बोलता है सर फ्रीक्वेंसी को ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है इसे हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है तो हमने देखा ग्रुप ऑफ डेटा ठीक है सर ये लोअर लिमिट अपर लिमिट डेटा हमारे पास कैसे है सर हॉरिजॉन्टल है तो सबसे पहले मैंने इसको वर्टिकल किया अब मुझे इसका मीन कैलकुलेट करना है तो मीन नहीं कैलकुलेट करना है मुझे ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे करें कि सर कोई भी मैथड अप्लाई कर दो चाहो तो आप डायरेक्ट मैथड लगा दो चाहो तो आप इसमें एज्यूम मीन मैथड निकाल दो तो लेकिन वो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले तो एक्स आई निकाल पड़ेगा एक्स आई निकालते हैं सर <coughs> X, I. X, I की वैल्यूज देखते हैं क्या आती है तो 11 और 13 इन दोनों के मिडिल वाली वैल्यू एवरेज कितना होगा सर सर इनको अगर सम करें तो 24, तो तो 24 डिवाइड करूंगा 12 आ जाएगा सब में डिफरेंस कितने कितने का है? सर, 2, 2 का है तो है 2 2 2 यहां गया अब मुझे यहां पे ऑलरेडी गिवन है कि सर इन सबका मीन

तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इनमें से किसी भी एक को एज्यूम करना पड़ेगा तो किसको मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत होगी कि सर उसे ही एज्यूम कर लेता हूं 13 मुझे थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो क्यों ना मैं इसे ही एज्यूम कर लेता हूं कि सर ये इसका क्या है एज्यूम मीन है तो अब आप नेक्स्ट टेबल के अंदर क्या कैलकुलेट करोगे सबसे पहले डेविएशन डेविएशन अगर आप देखो कहीं भूल जाओ तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया करो कि सर एज्यूम मीन के थ्रू हम जब मीन कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला लिखते हैं ए प्लस सिग्मा एफ आई इन टू डी आई अपॉन सिगमा एफ आई ये फॉर्मूला आपको याद दिलाता रहेगा कि मुझे कैसे कैसे क्या क्या कैलकुलेट करना है तो सर फॉर्मूले में एज्यूम मीन था एज्यूम मीन सबसे पहले हमने लेट कर लिया देन उसके बाद अब क्या है डी आई तो डी आई कैलकुलेट करने के लिए डेविएशन हम निकालेंगे सर यहाँ पे कि सबसे पहले तो सर डेविएशन हमने निकाला डी आई फॉर्मूला क्या लिखते हैं कि सर एक्स आई माइनस ए ए कितना है सर 18 तो लिखिए सर यहाँ पे 18 12 में से 18 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना जाएगा माइनस का 6 देन कितना आएगा सर माइनस का 4 देन कितना आएगा सर माइनस का 2 फिर कितना हो जाएगा 0 फिर प्लस का 2 देन 4 एंड देन उसके बाद सिक्स या गया अब एफ आई इंटू डी आई करना है तो नेक्स्ट टेबल को आगे एक्सटेंड करते हुए सर एफ आई आई। अब ये मुझे करना है तो सर लीजिए को आई से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये रहा एफ आई और ये रहा ये रहा डी आई सेवन सिक्स माइनस फोर्टी टू सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर तो माइनस का ये ट्वेंटी फोर नाइन टू ज़ा 18 तो ये माइनस का 18 13 को 0 से ये 0 हो गया f को 2 से सर ये 2f हो गया 5 को 4 से प्लस का 20 देन 4 को 6 से ये प्लस का 24 अब कुछ नेगेटिव वैल्यूज है कुछ पॉजिटिव वैल्यूज है देखो इनको ऐड करके हम बता दें सिग्मा कितना है मैंने देखा सर ऐड करूंगा तो ये माइनस का ट्वेंटी तो उड़ गया तो फोर्टी टू और एटीन ऐड होंगे तो माइनस का सिक्सटी आ जाएगा यहाँ लिख दू सर माइनस का सिक्सटी और प्लस में कितना है सर ट्वेंटी और ट्वेंटी और ट्वेंटी फोर मिलकर कितना हो गया सर फोर्टर फोर्टी फोर तो सर अगर मैं इनको देखू तो माइनस में कितना आएगा मेरे पास सिक्सटीन माइनस का 16 करेक्ट है और प्लस का 2f तो यहाँ पे लिखे क्योंकि 2f तो एक अपने आप में वेरिएबल नंबर हो गया ना तो 2f एफ माइनस सिक्सटीन ये हमारे पास आ गया 2f एफ माइनस सिक्सटीन और सिग्मा एफ आई कितना आ रहा है कि सर इन सब का भी सम कर लो 7 और 6 13 13 और 9 22 22 और 22 और 13 <coughs> सेवन और सिक्स थर्टीन थर्टीन में अगर सेवन और सिक्स थर्टीन हो गया थर्टीन में अगर मैं नाइन ऐड कर दूं तो थर्टीन और नाइन ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू में अगर मैं पहले थ्री ऐड करूं तो ट्वेंटी फाइव और टेन थर्टी फाइव थर्टी फाइव फोर्टी फाइव और ये थर्टी फाइव फोर्टी फोर्टी फोर फोर्टी फोर फोर्टी फोर प्लस एफ ये आया आपके पास सिग्मा एफ आई ठीक है तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करता हूँ सबसे पहले तो हमारे पास देखो फार्मूले में एक्स बार की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन के अंदर कि सर ये एटीन इज इक्वल टू ए कितना है सर एटीन ये हमने एज्यूम किया था एटीन सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया कि सर टू एफ माइनस सिक्सटीन टू एफ़ माइनस एक बार चेक कर लेते हैं कि ये टू एफ़ माइनस सिक्सटीन ही आ रहा है करेक्ट है क्या ज़रा देख लो कि सर ये एट और टू फोर्टी और ये हो जाएगा हमारे पास आ, एक सेकेंड देख लेते हैं सेवन सिक्स ज़ा फोर्टी टू सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर नाइन टू एटीन ये जीरो हो गया ये टू एफ हो गया फाइव ट्वेंटी सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर से ये ट्वेंटी फोर कैंसिल हो चुका है ये अच्छा ये ट्वेंटी फोर तो कैंसिल था ना ये देखो हमने मिस्टेक करी थी ना यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी ठीक है तो बेसिकली यहां पे क्या बच रहा है हमारे पास हम जब देख रहे थे तो माइनस में तो हमारे पास 60 प्लस में हमारे पास 20 है ओनली 20 तो लेस करेंगे तो माइनस का 40 ही बचेगा माइनस का 40 तो इसको सही कर लो इसको सही कर लो ठीक है माइनस का 40 ठीक है ये भी माइनस का 40 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना था सर 44 प्लस एफ 44 फोर प्लस एफ अब ये देखो इधर भी 18, भी 18, इधर भी 18, ये तो कैंसिल हो तो हमारे पास बेसिकली बनी टू एफ माइनस फोर्टी इज इक्वल टू जीरो से अगर एफ कैलकुलेट करूंगा तो एफ कितना सर ट्वेंटी हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर दिया इस yes. क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व हो गया चलिए बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास देखो ये एक और क्वेश्चन दिया हुआ है अब ये क्वेश्चन अपने आप में स्पेशल क्यों है हमें कैलकुलेट तो क्या करना है सर मीन कैलकुलेट करना है लेकिन अगर ज़रा डेटा को आप ध्यान से देखें क्या आपने देखा सर ये डेटा हमारे पास है नंबर ऑफ बॉक्सेस यानी कि फ्रीक्वेंसीज भी हमें गिवन है हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है तो पहले इसको मैंने वर्टिकल किया लेकिन वर्टिकल करने से पहले मैंने ज़रा देखा कि सर क्या इसमें फ्रिक्वें ये जो हमारे पास डेटा है क्या वो ब्रेक तो नहीं हो रहा जीरो से फिफ्टी टू अब नेक्स्ट 52 से स्टार्ट होना चाहिए था ना लेकिन ये स्टार्ट हो रहा है 53 से देन 53 से 55 55 पे एंड हो रहा है तो नेक्स्ट 55 से स्टार्ट होना चाहिए था लेकिन ये हुआ है सर किससे 56 से तो इस डेटा को सबसे पहले मुझे अलाइन करना पड़ेगा अब अलाइन करने का तरीका क्या है कभी भी अगर आपको डेटा इस तरह से ब्रेक होता हुआ दिखे तो आप ये देखो ब्रेक कितना हो रहा है कि सर यहाँ से फिफ्टी पे एंड हो रहा है तो यहाँ पे फिफ्टी पे स्टार्ट होना चाहिए था लेकिन हुआ फिफ्टी पे तो डिफरेंस कितने का है सर वन का जितने का डिफरेंस है उसका हाफ कर दो उसका हाफ कर दो तो वन डिफरेंस था उसका हाफ कर दिया तो वन बाई टू यानी कि कहें तो सर जीरो पॉइंट फाइव अब ये जीरो पॉइंट फाइव जो आया चाहे यहां पे अगर थ्री का डिफरेंस होता अगर थ्री का ब्रेक होता हो रहा होता तो मैं लिखता सर थ्री और उसका हाफ कर देता यानी कितना आता सर वन पॉइंट फाइव 1.5 तो जो भी हमारे पास वैल्यूज आई ये तो अभी मैंने समझाने के लिए लिख दिया यहाँ पे तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया सर 1.0 ये मेरे पास वैल्यू कितनी आई 0.5 तो मैं क्या करूंगा सर लोअर लिमिट में से तो इस 0.5 को लेस कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा सर 49.5 और अपर लिमिट में इसको क्या करूंगा सर एड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा सर फिफ्टी इसी तरह से इधर भी इस क्लास में भी करूंगा सर इसमें से माइनस करूंगा तो देखो ये कितना हो जाएगा सर 52.5 और यहां पे इसमें प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा कितना सर 55.5 .5. .5 जो है लोअर लिमिट में से माइनस हो रहा है अपर लिमिट में प्लस हो रहा है अब देखो ये कितना हो जाएगा सर 55.5 और ये वाला क्या हो जाएगा सर प्लस हो जाएगा इसमें तो ये हो जाएगा सर 58.5 करेक्ट ये देखो कितना हो जाएगा सर 58.5 और ये कितना हो जाएगा सर 61.5 ये कितना हो जाएगा सर 61.5 और ये कितना हो जाएगा सर 64.5 ठीक है अब देखो जरा जहां पे एंड हो रहा है इसमें एंड हुआ इस क्लास के अंदर एंड हो रहा है 52.5 पे तो नेक्स्ट पे स्टार्ट भी 52.5 पे हो रहा है तो मैं आप कहूंगा सर डेटा जो है वो कंटिन्यूस है अब डेटा कंटिन्यूस है तो ये हमने टेबल में चेंज किया अब ये आपको सीखने में आ गया ये आपको कहीं किताबों में लिखा हुआ नहीं देखेगा तो बच्चों यही चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ कि बेसिक से कि अगर किताबों में आपको इस तरह से कभी भी क्वेश्चन मिल जाए जिसमें ब्रेक हो रहा है कितने का वन का मान लो अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के अंदर ब्रेक आपको दिखे सपोज थ्री का फाइव का फोर का जितने का भी ब्रेक है आप उस ब्रेक का कर दो तो हाफ जितने का भी ब्रेक हो रहा है उसका कर दो तो हाफ जो भी वैल्यू आई लोअर लिमिट में से तो माइनस हो जाएगी, अपर लिमिट में प्लस कर तो, आप गई तो अब आप अब, 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 पास, पास अब, 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 देखो सर मुझे अब इसका करना है। तो, सबसे पहले तो मैं X, निकालूंगा कि सर, ये तो F, हो गया सबसे पहले तो हम एक्स आई निकालेंगे एक्स आई कैसे निकालते हैं कि सर इन दोनों का एवरेज तो करो जरा इनका सम, कि सर पॉइंट पॉइंट और पॉंट, या फिर हम देखें पॉइंट और पॉइंट ये जो 50 और फिफ्टी टू कितना हो गया one, uh, one two, का हाफ करेंगे तो कितना आएगा सर फिफ्टी वन या फिफ्टी वन अब आपको पता है सब में ब्रेक सब में डिफरेंस कितने का चल रहा है सर तीन यहाँ पे भी तीन यहाँ पे भी तीन यहाँ पे भी तीन यहाँ पे भी तीन सब में तीन तीन का है तो आप बिना इससे तुरंत बता दो कि सर 51 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा सर 54 नेक्स्ट क्या आएगा सर 57 नेक्स्ट क्या आएगा सर 60 देन उसके बाद क्या आएगा सर 63 इस तरह से आप बता दोगे

स्टेप डिशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड के थ्रू हम और सिंपलीफाई करते हैं कि सर सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला लिख दो जिससे मुझे आइडिया लग जाए कि सर एक्स बार ये मुझे मीन कैलकुलेट करना है देन हम उसमें लिखते हैं ए प्लस सिग्मा एफ आई इन यू आई अपॉन एफ आई एच फॉर्मूला होता है अब आपको पता है ए क्या होता है सर ए तो एज्यूमिन है यानी कि जो हम एजूमिन मेथड में जितना कर रहे थे ना उतना प्रोसेस तो यहाँ पे भी करना है उतना प्रोसेस तो आपको यहाँ पे भी करना है तो सबसे पहले एज्यूमिन के लिए हम यहाँ पे ए एज्यूम करते हैं तो ए किसको एज्यूम कर लें सर 57 को तो ये लिखा जाएगा सर ये एज्यूम कर लिया हमने मीन तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे सर सबसे पहले डेविएशन निकालता हूं डेविएशन इज इक्वल टू जो हम एज्यूम इनमें कर रहे थे ना स्टेप डिविजन मैथड में उतना तो हमें करना ही है उतना तो हमें करना ही है नेक्स्ट आगे फिर हम बात करेंगे स्टेप डिविजन में क्या डिफरेंस आएगा तो हमने डी निकाला कैसे कि सर एक्स में से ए को लेस करके एक्स हमारे पास है A हमारे पास है तो डिफरेंस देखो सर माइनस का सिक्स डिफरेंस देखो सर माइनस का थ्री देन जीरो, देन उसके बाद प्लस का थ्री, और फिर प्लस का सिक्स अब ये तो डी आई आया लेकिन फॉर्मूल मुझे डी आई नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए सर यू आई यू आई हम कैसे निकालते हैं वो सीखें कि सर यू आई जो होता है वो कैसे निकाला जाता है कि डी आई उसमें से उसमें हम डिवाइड कर देते हैं किसका एच का अब एच क्या चीज है क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था जब हम बात कर रहे थे H की H क्या होता है इंटरवल होता है इंटरवल यानी कि सर इनका डिफरेंस अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो तो हमारे पास एच कितना आएगा सर यहां पे अगर मैं एच की बात करूं तो एच कितना है सर थ्री 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 का है तो यानी कि सर यू आई हम कैसे निकालेंगे डी आई की जितनी भी वैल्यूज आई है उसमें हम 3 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 6 में अगर मैं 3 का डिवाइड कर दूं तो ये आएगा सर कितना माइनस का 2 देन माइनस का 1 फिर 0 फिर 1 और ये 2 और डेटा छोटा हो गया पहले देखो आप अगर अज्यूम डा, डायरेक्ट मैं सबसे पहले देखो ये इसी टेबल में आपको सब चीजें दिख जाएगी अगर डायरेक्ट मेथड करता तो मैं fi को xi से मल्टीप्लाई करता डिफिकल्ट होता थोड़ा सा डिफिकल्ट होता इनको मल्टीप्लाई करना इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाता मैंने उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए पे गया तो 15 को थ्री से, 3, 3 से इसको सिक्स से, से, से ये डेटा इससे मल्टीप्लाई कर रहा होता है

नहीं कैलकुलेट करना है क्योंकि फॉर्मूला मुझे यही कहता है तो एफ आई को यू आई एफ आई इंटू यू आई करें कि सर 15 को 2 से किया तो माइनस का 30 110 को माइनस से 1 से किया तो माइनस का 110 3135 को 0 से किया तो ये 0 15, 115 को 1 से किया तो ये 115 देन उसके बाद 25 को 2 से किया तो ये हो गया सर 50 करेक्ट अब दो तरह के नंबर्स दिख रहे हैं एक नेगेटिव वाले हैं एक पॉजिटिव वाले हैं आपको क्या करना है सर इनका सम करना है फॉर्मूला कह रहा है मुझे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मुझे इनका सम करना है तो नेगेटिव वाले नंबर्स का सम कितना हो रहा है सर माइनस का 140 अगर मैं यहां पे रफ में लिखूं सर माइनस का 140 ठीक है और प्लस वाले नंबर्स का सम कितना हो रहा है सर 1 प्लस का 165 प्लस का 165 तो देखो सर प्लस का प्लस का 165 और उसमें से लेस करना है माइनस वन को माइनस का 140 सॉल्व करके बताओगे तो ये कितना आएगा सर 25 प्लस का तो प्लस का 25 आया इनका सम सिग्मा एफ आई भी आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चाहिए तो इन सब का सम भी आपको करना पड़ेगा तो इन सब का सम देखो जरा कितना आता है कि सर अगर मैं 5 और ये फिफ्टीन uh, और हंड्रेड एंड टेन करूँ तो वन ट्वेंट ट्वेंटी फाइव हो गया वन ट्वेंटी फाइव और वन थर्टी फाइव अगर हम ऐड करते तो वन ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव और वन थर्टी फाइव देखो वन ट्वेंटी फाइव और वन थर्टी फाइव देन उसके बाद इसमें हंड्रेड एंड फिफ्टीन देन उसके बाद ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव तो सम करना है इन सब का फाइव 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 फोर टाइम्स हो गया जीरो कैरी टू टू और टू फोर और थ्री फोर और फोर एट और टू टेन ये हो गया 400 हंड्रेड सिग्मा एफ आई आ गया हमारे पास कितना सर 400 हंड्रेड करेक्ट ये आ गया हमारे पास कैलकुलेट करके आप देख लो अब ये सभी वैल्यूज आपके पास आ चुके हैं तो यहां फॉर्मूले में पुट कर दे एक्स बार ए की वैल्यू बताओ जरा एजुम कितना किया था सर 57 सेवन प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी आ गई सर 25 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है सर 400 हंड्रेड टू एच करना है तो एच कितना है सर? 3. Correct. हो गया 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 अब अब इसको solve कर लो ये ये आ आ हमारे हमारे पास पास अच्छा को से करता तो तो क्या में 8 का अगर तो आएगा बोलो पहले जाएगा 0 point. कितने जाएगा कितने सबसे पहले डिवाइड अगर हम करेंगे तो एट में थर्टी के अंदर एट का डिवाइड जाएगा तो सर यह ट्वेंटी फोर थ्री टाइम्स ठीक है देन उसके बाद बच गया सर हमारे पास थर्टी और उसके बाद सेवन तो सिक्स uh, सिक्सटी में जाएगा ये सेवेंड टाइम फाइव फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री सेवन हमारे पास इसका एज्यूम मेन कैलकुलेट हो गया सॉरी ये हमारे पास क्या कैलकुलेट हो गया सर इसका मेन कैलकुलेट हो गया फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री सेवन फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री सेवन हमारे पास आ गया कैलकुलेट Cal कर दिया हमने ठीक है करेक्ट है ओके okay. चलिए अब आगे बढ़ें इसमें देख लो एक बार कैलकुलेशन के अंदर कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है सिग्मा एफ आई यू आई वन फोर्टी हो चुका है और इनका सम वन सिक्सटी फाइव है वन सिक्सटी फाइव में से वन फोर्टी माइनस हुआ तो ये बच चुका है हमारे पास आ, ट्वेंटी फाइव करेक्ट है ट्वेंटी फाइव इन सब का सम फोर हंड्रेड है तो ये हमारे पास आ चुका है ट्वेंटी फाइव से ये कैंसिल होके फोर एट सॉरी देखो यहाँ पे ही मिस्टेक कर दी थी हमने थ्री बाई एट नहीं है ये इसमें ये कितने टाइम्स कैंसिल होगा सर एट टाइम्स नहीं होगा ये कितना होगा सिक्सटीन टाइम्स कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा सर सिक्सटीन टाइम्स सिक्सटीन टाइम्स ठीक है करेक्ट है अब सिक्सटीन में इसका डिवाइड करें तो सबसे पहले जाएगा सिक्सटीन जा ये वन टाइम जीरो पॉइंट वन और फिर ये एट तो फिफ्टी वन फिफ्टी सेवन पॉइंट वन एट ये इसका आंसर हो जाएगा ठीक है ये हमने मीन कैलकुलेट करना सीख लिया तो अब हमने मीन कैलकुलेट करना जब सीख लिया तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे दैट इज मोड ऑफ ग्रुप डेटा तो मोड कैलकुलेट करना जितना मीन में हमने सीखा ना कैलकुलेशन करी उससे बहुत ज़्यादा इजी है मोड और मीडियन देखो कैसे सबसे पहले हम मोड कैलकुलेट करने की बात अगर करें तो मोड होता क्या है ये ज़रा समझ लेते हैं तो मोड क्या है कि सर अगर हमारे पास जैसे हमने मीन की बात करी थी एक बेसिक डेफिनेशन हम क्या देते हैं मीन की कि एवरेज ही कैलकुलेट करना होता है कि हमारे पास बहुत सारा जैसे डेटा अगर हमारे पास है कि वन three, seven, five, four, one, zero, Six, कुछ भी है इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ डेटा हैं हमारे पास तो इन सभी डेटा का अगर मुझे मोड कैलकुलेट करना है तो मोड हम कैसे निकालते हैं कि सर मोड क्या होता है कि इसमें से ये जो इतने सारे ऑब्जर्वेशन हैं इसमें से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है यानी कि कौन सा ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट हुआ है तो यहां पे अगर आप देखो तो थ्री कितने टाइम्स है सर ऑनली वन टाइम सेवन कितने टाइम है ऑनली वन टाइम फाइव भी वन टाइम सिक्स भी वन टाइम फोर भी वन टाइम लेकिन वन जो है वो टू टाइम्स दिख रहा है यहाँ पे टू टाइम्स सबसे ज्यादा टाइम्स कौन आया आया है सर तो इसकी इसकी फ्री इसका मोड क्या हो जाता अगर सिंपल वे में बात कर रहा हूं मैं बच्चों तो ये जो हमारे पास ग्रुप ऑफ डेटा है तो इसका मोड क्या हो जाएगा सर वन हो जाएगा मोड इस तरह से ये मोड की बेसिक सी डेफिनेशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो मोड कहलाता है तो अब मुझे यहां पे ये तो सर डेटा सिंपल सा डेटा था लेकिन अब हम बात करेंगे ग्रुप डेटा का मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं देखो क्वेश्चन ये हमारे पास ये है आप ऊपर वाली चीजें अपने आप पढ़ सकते हो बेसिकली मुझे यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है सर मोड मोड और साथ में ये भी बोलता है कि आप इसका मीन भी कैलकुलेट करके बताओ तो ये हमारे पास डेटा है मीन अभी हमने कैलकुलेट करना सीखा था अब मैं सबसे पहले इस डेटा का मोड कैलकुलेट करता हूं तो डेटा हमारे पास जो होर्जोनटल में था उसको सबसे पहले मैंने वर्टिकली इस तरह से अरेंज कर दिया अगर मैं सबसे पहले इसमें मोड कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि सर क्वेश्चन में तो ये भी बोल रहा है मीन भी कैलकुलेट करना है लेकिन पहले मैं इसका मोड कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको तो मोड अगर कैलकुलेट करना है बहुत ही सिंपल है सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लर्न कर लें इसका कि अगर मुझे मोड कैलकुलेट करना है किसी भी डेटा का तो हम फॉर्मूला के लिखते हैं कि सर इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस एल प्लस हम लिखते हैं सर इसमें एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इन टू एच टू एच ये फॉर्मूला हम लिखते हैं किसका मोड किसी भी ग्रुप डेटा का अगर मुझे मोड कैलकुलेट करना है तो अब आउट कर लूँ तो मेरे को मोड कैलकुलेट हो जाएगा तो सबसे पहले, अगर मुझे करनी है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है मॉडल क्लास डिफाइन करना मॉडल क्लास सबसे पहले आप क्या करो स्टेप लिख लो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा सर मॉडल क्लास मॉडल क्लास

ये क्लास हमारे लिए क्या हो जाएगी सर मॉडल क्लास ये क्लास हमारे लिए क्या हो जाएगी सर ये इसकी मॉडल क्लास अब अब मॉडल क्लास सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया अब देखो मॉडल क्लास जैसे ही निकल गया ना अब आप ये सभी डेटा को इजीली कैलकुलेट कर लोगे कि सर फाइंड आउट कर देंगे सबसे पहले एल ये एल जो लिखा है फॉर्मूले में एल क्या है मॉडल क्लास की लोअर लिमिट मॉडल क्लास सर ये रही तो इसकी जो लोअर लिमिट है दैट इज थर्टी फाइव तो ये क्या हो गया एल इस मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो हम कहते हैं सर एफ F1 इससे ऊपर वाला सर F0 इससे नीचे वाला सर F2 सिंपल कि सर जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को आप F1 से बता दो इससे ऊपर वाली क्लास की F0 उससे नीचे वाली क्लास की F2 हो गया और क्या चाहिए सर H चाहिए H आपको पता है सर इंटरवल होता है इंटरवल सब में गैप कितने का है सर 10 10 का गैप है तो यहां पर हम लिख देंगे सर एच की वैल्यू एच इस 10 तो सभी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है सर लिख लो यहां पे कि अगर मैं देखूं तो l इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास 35 जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट f1 f1 कितना आया सर 23 f0 कितना आ गया f0 कितना आया सर 21 f2 कितना आ गया that is 14 and h is interval that is 10 ये पुट किया इस फॉर्मूले में तो मोड हमारे पास आ जाएगा देखिए सर बहुत ही सिंपल मोड इज इक्वल टू तो एल की वैल्यू कितनी है सर थर्टी फाइव प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ जीरो माइनस ट्वेंटी वन माइनस फोर्टीन और इन सबको आगे मल्टीप्लाई करना है किससे एच यानी कि सर टेन से बस इसको कैलकुलेट करना है मोड आ गया कितना सिंपल है ना देखो सर थर्टी फाइव प्लस इन दोनों का सब चैक किया ट्वेंटी थ्री में से ये गया तो टू बच गया ये हो गया इनका सम फोर्टी ये हो गया फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स में से अब मुझे रफ में लिख लेता हूँ सर यहाँ पर मुझे क्या करना है अगर मैं यहाँ पे रफ लिखूं सर मुझे क्या करना है सर 46 तो प्लस का है उसमें से माइनस करना है किसको सर टू और वन थ्री और ये वन फाइव थर्टी फाइव तो कितना बच रहा है सर इलेवन बच रहा है इलेवन बच रहा है तो ये इलेवन आया इन टू टेन यानी सिंपल सर थर्टी फाइव प्लस ट्वेंटी अपॉन इलेवन अब क्या ट्वेंटी में इलेवन का आप डिवाइड कर सकते हो ट्वेंटी में इलेवन का डिवाइड करके बताते हैं सर थर्टी फाइव में ऐड कर देंगे तो ये सबसे पहले जाएगा वन टाइम टाइम गया डेसिमल लग जाएगा अब बोलो कितना बज गया सर नौ नाइन में जाएगा में जाएगा एट टाइम्स so, 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 को एड कर दें तो यह हमारे पास थर्टी सिक्स एट वन ये क्या हो गया इस डेटा का मोड हमारे पास आ गया मोड हमारे पास आ गया थर्टी सिक्स पॉइंट एट वन ये इसका क्या हो गया मोड हमने कैलकुलेट कर दिया इजी है बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसी डेटा का हमें मीन भी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा था तो सपोज ऐसा हो भी सकता है बच्चों एग्जाम के अंदर आपको एक ही डेटा दे दे और उसका मोड मीन मोड और मीडियन भी कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है तो हम देखो मीडियन तो अभी हम सीखेंगे अभी हमने मोड कैलकुलेट करना सीखा इसी डेटा का अगर मैं मीन भी कैलकुलेट करता हूं तो देखो सर मीन अगर मुझे कैलकुलेट करना है अभी हमने नेक्स्ट सेशन में अभी हमने बात करी थी सर मीन की कि सर मीन हम तीन मैथड्स से कैलकुलेट कर सकते हैं तो कोई भी मैथड हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम देखते हैं सबसे पहले वो किससे डिसाइड होता है सर एक्स आई पहले निकालना पड़ेगा तो एक्स आई कैसे करेंगे सर फाइव और टेन का एवरेज कितना हो जाएगा सर फाइव और टेन ट्वेंटी हाफ हो जाएगा इसका टेन अब सब में गैप कितने का है सर टेन टेन का गैप है तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी ट्वेंटी नेक्स्ट क्या आएगा थर्टी थर्टी के बाद फोर्टी फोर्टी के बाद फिफ्टी फिफ्टी के बाद सिक्सटी ईजिली आपने बता दिया

ये मैंने एज्यूम कर लिया कि सर ये है मीन। तो नेक्स्ट तो हाँ कितना है देखिए सर टेन में से फोर्टी माइनस करेंगे तो यह आएगा माइनस का थर्टी इसको लेस करेंगे तो माइनस का ट्वेंटी माइनस का टेन और ये हो गया जीरो और ये हो गया प्लस का टेन और यह हो गया प्लस का ट्वेंटी ठीक है करेक्ट अब एफ आई इंटू डी आई कर दो इंटू डी आई लिख देता हूं करें जरा मल्टीप्लाई आपके पास एफ आई रहा डी आई ये सिक्सटीन सिक्स थ्री माइनस का वन एटी इलेवन टू माइनस का टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन इंटू टेन माइनस का टू हंड्रेड एंड टेन ये जीरो फोर्टीन को टेन से प्लस का वन फोर्टी फाइव को टेन से ट्वेंटी से तो ये हो गया प्लस का हंड्रेड अब देखो सर इनको सम करना है क्योंकि हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं ना आपकी इसी को डेटा का हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं तो मीन का आपको फॉर्मूला याद ही है अभी हमने पढ़ा था कि सर ए इन मैथड में ए प्लस सिग्मा एफ आई इन डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई यही हम लिखते हैं तो देखो सर इन सब का सम करना पड़ेगा तो नेगेटिव वाले नंबर्स बड़े हैं छोटे हैं सर पॉजिटिव वाले नंबर तो सबसे पहले अगर इनका सम करें तो 180 और 210 कितना हो गया सर ये हो गया 300, 400, 400 और ये 200, 600, 610 माइनस का 610 है प्लस में सर कितना है 240 प्लस का 240 लेस करेंगे जीरो टेन इलेवन में से ये गया सेवन और ये कम हो गया फोर थ्री सेवेंटी माइनस का थ्री सेवेंटी तो माइनस का थ्री सेवेंटी ये हमारे पास आ गया इन सबका सम सिग्मा एफ आई अगर मैं इन सबका सम कर दूं तो पता लग जाएगा सिक्स और सिक्स और इलेवन सेवनटीन सेवनटीन और वन एटीन एटीन में ट्वेंटी और ऐड कर दूंगा तो थर्टी एट थर्टी एट में अगर मैं ट्वेंटी और ऐड कर दूं तो फिफ्टी एट और थ्री ऐड करूं तो फिफ्टी एट और थ्री हमें फिफ्टी एट और थ्री कितना हो जाएगा सिक्सटी वन सिक्सटी वन में अगर मैं पहले नाइन ऐड कर दूं फोर और फाइव का साम सेवेंटी सेवेंटी और टेन एटी ये आ गया आपके पास सिग्मा एफ आई तो वैल्यू सपोर्ट करते हैं सर यहाँ पे एक्स बार मीन मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ एज्यूम मीन आपने कैलकुलेट किया एज्यूम किया था कितना सर 40 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया सर माइनस का 370 सेवन अपॉन सिग्मा एफ आई कितना आ गया सर 80 जीरो से ये जीरो कैंसिल तो बोलो 40 माइनस थर्टी सेवन अपॉन एट अब थर्टी सेवन में एट का डिवाइड तो इजीली हो सकता है कि सर पहले जाएगा कितने टाइम्स सर फोर टाइम्स फोर टाइम्स बचा कितना कि सर थ्री थर्टी में जाएगा कि सर ये थर्टी में चला जाएगा थ्री टाइम्स देन बच गया कितना सिक्स सिक्स में जाएगा सेवन टाइम्स फोर पॉइंट थ्री सेवन तो फोर्टी में से फोर पहले लेस करा तो कितना बचेगा सर थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स में से थर्टी सिक्स में से अगर मैं सोचूं पॉइंट थ्री सेवन और लेस कर दिया तो कितना बचेगा थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स थ्री 35.63 ये क्या हो गया? इस का ही हमने मीन भी कैलकुलेट कर दिया तो गिवन टेबल के अंदर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर यही तो था मीन और मोड दोनों कैलकुलेट करो तो मोड हमारे पास आया 36.81 और मीन आया 35.63 ये हमने सेम डेटा का मीन और मोड दोनों कैलकुलेट करके बता दिया ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं है, मोड है, है, है है. ही पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर चलिए मोड कैलकुलेट कर देते हैं तो इस टेबल को मैंने यहां पर लिख दिया है सबसे पहले अगर मैं मोड कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मोड का फॉर्मुला इज इक्वल टू हम मोड इज इक्वल टू हम लिखते हैं एल प्लस f1, minus f0, upon f1 minus f0 minus f2 into h यही हम लिखते हैं अब ये फॉर्मूले की वैल्यूज अगर मुझे चाहिए तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा मॉडल क्लास को डिफाइन करना पड़ेगा मॉडल क्लास क्या होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है तो इन सभी फ्रिक्वेंसीज में से सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन दिख रही है सर ये 10 दिख रही है तो ये किस क्लास की है सर इस क्लास की है तो ये जो क्लास है हमारे लिए क्या हो गई सर मॉडल क्लास ये क्लास हमारे लिए क्या हो गई सर मॉडल क्लास बस इतना काम हुआ मैंने तुरंत बताया सर मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है

और करना है H की है की कर दिया आपने डायरेक्ट यहां पे देखो सर ये हो गया थर्टी प्लस ये वन और वन को फाइव से मल्टीप्लाई करके आपने लिख दिया फाइव ट्वेंटी में से ट्वेल्व को माइनस कर दिया तो यह फाइव अपॉन एट फाइव अपॉन एट थर्टी प्लस 5.8 को सॉल्व करते हैं तो डेसिमल में हमारे पास आएगा जीरो पॉइंट पहले 50 में जाएगा 50 में जाएगा सर यह एट सिक्स टू ये चला जाएगा 2 times, ये लीजिए सर मोड हमारे को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा था ना थर्टी पॉइंट सिक्स टू इसका आंसर ये इसका आंसर हो गया इजीली कैलकुलेट हो गया इजीली कैलकुलेट चलिए अब हम बात करते हैं मीडियन की कि सर हमने मीन कैलकुलेट करना सीख लिया मोड कैलकुलेट करना सीख लिया अब मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो मीडियन क्या होता है बहुत ही सिंपल कि सर मीडियन सबसे पहले कि बेसिक लैंग्वेज में हम बात करें तो मीडियन होता क्या है कि सर जैसे अभी आपने हमें सिंपल वे में बताया था ना मीन क्या होता है डेटा का एवरेज मोड क्या होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा तो वैसे ही अगर हमारे पास कोई डेटा है कि सर जैसे सपोज वन थ्री फाइव सेवन नाइन देन उसके बाद फिर वन देन थ्री देन उसके बाद सपोज़

ऑर्डर में लिख दो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो किसी भी ऑर्डर में आप सबसे पहले इसको अरेंज करो तो मैंने सबसे पहले अरेंज किया और उसके बाद उसके बाद जो सबसे मिडिल में होगा ना वो क्या कहलाएगा सर मोड क्या वो क्या कहलाएगा मीडियन कहलाएगा तो देखो अगर मैंने इसको अरेंज किया कि वन देन 1 देन उसके बाद 3 देन उसके बाद फिर से थ्री देन उसके बाद फाइव देन उसके बाद सिक्स देन सेवन एंड देन नाइन यही है हमने अरेंज कर दिया कितने ऑब्जर्वेशन सर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ सपोज एक ऑब्जर्वेशन और लिखता हूँ सपोज मैंने लिख दिया टेन

पे पे आपने ये एक 10 अभी क्यों लिखा? क्योंकि सर यहाँ पे आ रहे थे पहले। तो के केस में तो तो बीच में दो जने बैठे होंगे, होंगे। बिल्कुल हुँगे. तो हम इसीलिए हम दो तरह तो हम कैसे बताते हैं तो देखो जब ऑड नंबर ऑफ डेटा होता है तब तो हमने क्या किया सर जितने भी ऑब्जर्वेशन थे जितने भी ऑब्जर्वेशन थे suppose, ये जितने भी ऑब्जर्वेशन थे ऑब्जर्वेशन को मैं एन से लिख देता हूं तो एन प्लस वन अपॉन टू टर्म जो होगी ना वो मीडियन को रिप्रेजेंट करती है लेकिन अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होते तो उस केस में सर हमारे पास दो मीडियन आते दो मीडियन आते पहला हम कैसे निकालते है? कि सर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन अपॉन टर्म एंड दूसरा ऑब्जर्वेशन होता सर एन बाई टू प्लस टर्म और इन दोनों का जब मैं एवरेज निकाल देता जब मैं एवरेज निकाल देता तो वो होता है इस even, even का कि कैसे निकालता जो भी टर्म आती सपोज यहां पे एक और टर्म लिखी हुई होती कि सपोज 11 तो यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस दस हो जाते तो एन एक तो एन बाय टू दस बटा दो कितना कितना हो हो जाता जाता है पे five. और उसके वाली term six. तो इन दोनों का sum करता five plus six करता मैं लिखता ये ये इसका median होता बात क्लियर? जो सबसे middle में बैठा है वो median है ठीक है इस तरह से हम बता देते हैं चलिए और मीन मोड रिलेशन भी होता है कि थ्री मीडियन थ्री मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस टू मीन ये इसके इक्वल भी होता है कई बार क्वेश्चन आपको इस फॉर्मुले पे बेस्ड भी पूछ लिए जाते हैं मीडियन मोड मीन ध्यान रखना बच्चों चलिए अब क्वेश्चन के जरिए बात करते हैं बहुत ही सिंपल है कि आपको यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है मीडियन ये डेटा आपके पास दिया हुआ है तो डेटा हमारे पास देखा सर सबसे पहले इस डेटा के अंदर ये हमारे पास क्या हो गया सर एक्स आई ये हमारे पास क्या हो गया फ्रीक्वेंसी अब मुझे मीन मीडियन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मैंने डेटा को देखा कि सर इसमें मीडियन अगर मुझे कैलकुलेट करना है यह हमारे पास एफ आई है, है तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालते हैं सर फ्रीक्वेंसी क्या निकालेंगे जैसे मोड के अंदर हम सबसे पहले क्या डिफाइन कर रहे थे सर मॉडल क्लास वैसे इसमें भी सबसे हम नेक्स्ट स्टेप में हम मीडियन क्लास को ही डिफाइन करेंगे लेकिन उस मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको कम्पूटिव फ्रीक्वेंसी पता करनी पड़ेगी तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है कम्प्यूटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए निकालते हैं तो निकालते कैसे हैं सर वो भी सीख लो देखो सबसे पहला वाला फ्रीक्वेंसी वो एज इट इज फोर देन फोर और फाइव का सम नाइन नाइन और थर्टीन का सम सर ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू और ट्वेंटी का सम सर टू देख रहे हो कैसे चल रहा हूं मैं। बस इसी तरह से फोर्टी टू और फोर्टीन का, 56. 56 का सम 64 सिक्स और एट का सम एट करेक्ट है मैंने सही तो लिखा है ना फोर फोर और फाइव नाइन नाइन और थर्टीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू फोर्टी टू फोर्टी टू और फिफ्टी सिक्स और एट सिक्सटी फोर और ये सिक्सटी एट ठीक है अब ये जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू आई वो इन सभी के सम के इक्वल भी होनी चाहिए इन सभी सम इन के इन सभी फ्रीक्वेंसीज के सम के इक्वल भी होनी चाहिए तो यहाँ पे अगर आप इन सभी फ्रिक्वेंसीज का सम करोगे फोर और फाइव नाइन नाइन और नाइन और थर्टीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू फोर्टी टू फोर्टी टू फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स और सिक्सटी फोर ये सिक्सटी एट बिल्कुल तो ये दोनों अगर इक्वल आ रहे हैं ना ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब हमने कम्प्यूटर फ्रीकवेंसी करेक्ट कैलकुलेट की है इन फ्रीक्वेंसीज के सम को हम कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं कैपिटल एन ये कैपिटल एन क्या बताता है सर सभी फ्रीक्वेंसीज का सम सिग्मा एफ आइव

अब एन बाई टू निकालते ही हमें हामे, हमें देखना है कि थर्टी फोर से जस्ट छोटी जस्ट सॉरी थर्टी फोर से जस्ट बड़ी कम्युनेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है जस्ट बड़ी कम्युनेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है तो थर्टी टू से ये छोटी है ये छोटी है ये छोटी है जस्ट बड़ी कौन सी आई सर फोर्टी टू आई जस्ट बड़ी बड़ी तो ये भी है ये भी है ये भी है, ये भी है लेकिन जस्ट बड़ी कौन सी है जस्ट बड़ी थर्टी फोर से जस्ट बड़ी कौन सी देखिए सर फोर्टी टू तो जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी है जिस क्लास की ये फ्रीक्वेंसी है वो क्लास मेरे लिए क्या हो जाएगी सर मीडियन क्लास वो क्लास मेरे लिए क्या हो जाएगी सर मीडियन क्लास ये क्लास क्या हो गई हमारे लिए मीडियन क्लास ये मीडियन क्लास हो गई तो सबसे पहले आपने मीडियन क्लास में बता कर लिया तो आपने स्टेप्स ध्यान हो गए सबसे पहले कंपरेटिव फ्रीक्वेंसी देन उसके बाद एन बाई टू एन बाई टू से डिफाइन हो गया एन बाई टू से डिफाइन हो गया मीडियन क्लास अब मीडियन का फॉर्मूला पढ़ो पहले कि सर मीडियन मीडियन हम फॉर्मूला के लिखते हैं एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू एच एक सिंगल फॉर्मूला होता है किसी कैलकुलेट करने के लिए अब एल क्या है देखो जरा सर सिंपल वही जो मीड जैसे मॉडल में हमने देखा था मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या कहलाती थी एल ही मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होगी दैट इज एल ठीक है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज एफ ठीक है एल पता लग गया एफ पता लग गया इससे ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी जो होगी उससे हम बोलते हैं सर क्या सी एफ सी एफ सी एफ की वैल्यू पता लग गई एच क्या होता है सर इंटरवल इंटरवल कितने का है सर सब में गैप कितने का है ट्वेंटी का तो एच इज इक्वल टू क्या गया? सर ट्वेंटी पता लग गया और हमें एल तो पता ही लग गया एन बाई टू ऑलरेडी पता है थर्टी फोर है तो ये सब वैल्यूज उसमें पुट कर दे. देखो हमारे पास क्या क्या मिल गया सर एल मीडियन क्लास हमारे पास आ गई एल की वैल्यू वन ट्वेंटी फाइव एन बाई टू थर्टी थर्टी फोर हम लिखे यहां पे n अपॉन टू दैट इज थर्टी फोर सी एफ थर्ट ट्वेंटी टू एफ इज ट्वेंटी एंड एच इज ऑल्सो ट्वेंटी लिख दिया सब वैल्यूज को पुट कर दो फॉर्मूले में तो मीडियन आएगा एल की वैल्यू वन ट्वेंटी फाइव प्लस एन बाई टू दैट इज थर्टी फोर माइनस सी एफ यानी कि ट्वेंटी टू अपॉन एफ यानी कि सर ट्वेंटी इन टू एच यानी कि सर ट्वेंटी देखो ये ट्वेंटी से ट्वेंटी तो पहले ही उड़ गया तो बचा क्या सर वन ट्वेंटी फाइव प्लस इन दोनों का सब किया तो आया ट्वेल्व बोलो कितना हो गया सर वन थर्टी सेवन ये हमारे पास आंसर इतना सिंपल इतना सिंपल है मीडियन कैलकुलेट करना ठीक है और क्वेश्चन करके देखते हैं देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोलता है, है हमें, हमें दिख रहा है ना इसको हमें कैलकुलेट करना है ठीक है कर देते हैं सर देखो हमारे पास ये x आई हो गया ये f है तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था सर कम फ्रीक्वेंसी फाइंड करना

ये आगे इसमें अच्छा ये तो सम दिया हुआ है ये तो सम ही हमें गिवन है तो ये हमने लिख दिया ये हमने लिख दिया कि सर ये हमने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया सभी क्लासेस का हमने ये सी एफ बता दिया अब आपको पता है इन सभी फ्रीक्वेंसीज का सम इस लास्ट वाली कंप्यूटर फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है यानी कि एक तरह से हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस फाइव इक्वल टू तो सिक्सटी हम बता सकते हैं यही तो सर एन है यही तो एन है तो आप यहाँ पे एक इक्वेशन तो ये बता सकते हो कि सर हमारे पास ये गिवन है एक्स प्लस वाई वाई प्लस 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 एक्स ये इज इक्वल टू सिक्सटी तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास फोर्टी फाइव को उधर भेजेंगे तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन करेक्ट ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास यह एक इक्वेशन आई ठीक है अब

इससे जस्ट ये क्लास हमारे लिए क्या हो गई मीडियन क्लास ये क्लास हमारे लिए क्या हो गई मीडियन क्लास अब आप बाकी वैल्यूज बता दो कि मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट दैट इज एल इसकी जो फ्रीक्वेंसी दैट इज एफ इससे ऊपर वाली क्लास की जो कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी है दैट इज सी एफ तो लीजिए सर इंटरवल एच कितने का है सर इंटरवल एच है टेन का मीडियन का फॉर्मूला याद है कि सर मीडियन हम लिखते हैं is equal to l plus n by 2 minus c f upon f into h एच मीडियम आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कितना 28.5 एट 28 पॉइंट फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव एक सेकेंड हमने कहीं मीडियम क्लास गलत तो नहीं हमें मीडियम दिया हुआ है ना ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव ओके एक सेकेंड मीडियम हमें दिया हुआ है ट्वेंटी एट पॉइंट तो ये जरा करेक्ट करो इसको ये जरा करेक्ट करो इसको करेक्ट करो इसको ठीक है मीडियम क्लास क्या हो जाएगी सर ये नहीं होगी ये मीडियन क्लास हमारे लिए नहीं है मीडियन आपको ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन के अंदर 28.5 तो 28.5 कहां पे अलाइन कर रहा है कहां पे कौन सी क्लास के अंदर लाई कर रहा है कि सर ये तो इस 20 से 30 वाली क्लास के अंदर लाई कर रहा है 20 से 30 वाली क्लास है इसके अंदर लाई कर रहा है तो ये क्लास हमारे लिए क्या हो जाएगी मीडियन क्लास ये क्लास हमारे लिए क्या हो जाएगी मीडियन क्लास

अपऑन एफ कितना है कि सर ट्वेंटी इन टू एच कितना है कि सर टेन वैल्यूज पुट करी सॉल्व कर उसको देखो ट्वेंटी इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा सर एट पॉइंट फाइव इज इक्वल टू ये थर्टी माइनस एक्स माइनस फाइव और ये इससे कैंसिल होके बोलो हमने लिख दिया टू अब ये जरा सॉल्व करेंगे उधर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा सेवनटीन इज इक्वल टू थर्टी माइनस एक्स माइनस फाइव ये ट्वेंटी फाइव तो आपसे यहाँ पे सेवेंटीन इज इक्वल टू इसमें से लेस करेंगे तो आएगा ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स तो एक्स कितना आएगा सर एक्स आएगा कितना ट्वेंटी फाइव में से अगर सेवनटीन माइनस करेंगे तो ज़रा देखो एक्स कितना सर, 3 5, X आ जाएगा सर थ्री और फाइव एट एक्स की वैल्यू एट आ गई एक्स की वैल्यू एट आ गई ये वैल्यू आई एक्स की अब एक्स की वैल्यू एट आई तो इक्वेशन वन से हम वाई की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि सर फ्रॉम इक्वेशन वन हम बोलेंगे कि सर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन था तो यहाँ पे एट प्लस वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन तो यहाँ से वाई की वैल्यू आप बताओगे सर कितनी सेवन क्या क्वेश्चन में आपको यही बोल रहा था एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो तो हमने कर दी x की वैल्यू एट वाई की वैल्यू सेवन इजिली क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं मीडियन आपको कैलकुलेट करने, करने के लिए बोला गया है लेकिन डेटा को अगर आप जरा ध्यान से देखें तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि सर ये बोल रहा है कुछ इस तरह से बिलो टेन ट्वेंटी अभी तक तो हमारे पास ग्रुप थे अभी तक तो हमारे पास ग्रुप थे लेकिन अब ये तो इस तरह से देने लग गया तो इसको कैसे समझो जरा डेटा को समझो इसके भावनाओं को समझो फील करो बिलो ट्वेंटी बिलो ट्वेंटी फाइव बिलो थर्टी बिलो थर्टी फाइव फोर्टी इस तरह से बिलो की फॉर्म में दिया हुआ है और ये हमारे पास क्या दिया हुआ है कि सर ये क्या दिया हुआ है जरा देखना आप अगर इसको पढ़ोगे लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हंड्रेड पॉलिसी होल्डर कितने और पे अगर मुझे, मैं इसको सोचता कि ये एक बार जरा दिमाग का यूज करूर कि टोटल कितने हंड्रेड है हंड्रेड का डेटा हमें दिया हुआ है तो यहां पर अगर सम अगर मैं देखू इन सबको तो यहां पर सम हंड्रेड से ज्यादा तो नहीं हो सकता अगर ये फ्रीक्वेंसीज होती तो इन सभी फ्रीक्वेंसीज फ्रीक्वेंसीज अगर ये होती तो इन सभी फ्रीक्वेंसीज का सम कितना होता 100 क्वेश्चन में खुद बोल रहा है लेकिन यहां तो ये एक डेटा ही 100 है ये 98 है इन सबको ऐड करूंगा तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है ये तो सर 100 से कहीं ज्यादा चला जाएगा तो इस केस में फिर ये है क्या ये कम्युनिटेटिव फ्रीक्वेंसी है आपकी बार आपको क्या क्वेश्चन के अंदर ध्यान से समझा आपने देखा आपने आइडेंटिफाई करा कि सर यहां पे हमें सम हमें तो खुद बोल रहा है ना टोटल कितने हैं हंड्रेड कैंडिडेट्स हैं हंड्रेड पॉलिसी होल्डर्स हैं तो इन सब का सम हंड्रेड हो ही नहीं सकता तो इस केस में हमने बोला कि सर ये तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी एक तरह से गिवन है इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ये बोलता है बिलो ट्वेंटी बिलो ट्वेंटी सपोज कि कोई एक लाइन है ये बिलो ट्वेंटी की है और बिलो ट्वेंटी से कितने कितने पॉलिसी होल्डर हैं सर टू हैं तो बिलो ट्वेंटी फाइव जब इसने बोला तो ये बिलो ट्वेंटी फाइव वाली लाइन जो है ये वाली है तो उसके नीचे बिलो ट्वेंटी फाइव से नीचे सिक्स कैंडिडेट है तो क्या क्या इस सिक्स सिक्स के के अंदर ये भी इंक्लूड हो हो क्या? के अंदर ये ये टू टू भी भी इंक्लूड इंक्लूड हो 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 गए 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 तो अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो सर ग्रुप कैसे आएगा कि सर ये बिलो ट्वेंटी वाली लाइन थी ये बिलो ट्वेंटी फाइव वाली लाइन थी बिलो ट्वेंटी थी टू बिलो ट्वेंटी फाइव थे कितने सर सिक्स तो इस ग्रुप के अंदर कितने हैं ग्रुप के अंदर कितने है? कि सर 20 से 25 के बीच में कितने ओनली फोर कैसे निकाला कि सर 6 में से 2 को लेस कर दिया तो ये बता दिया सर यहां पे फोर अगर बिलो 35 बिलो 30 बोल रहा है तो बिलो 30 वाली लाइन सपोज ये है ये बिलो 30 वाली लाइन है कि बिलो 30 और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं सर बिलो 35 है बिलो कि, 30 कितने हैं सर 24 तो इस 24 के अंदर इस 24 के अंदर ये बिलो 25 वाले भी इंक्लूड हो रहे हैं और बिलो ट्वेंटी फाइव वाले के अंदर ये बिलो फोर भी ट्वेंटी भी ट्वेंटी वाले भी इंक्लूड थे तो बिलो थर्टी अगर मैं बात करूं तो सर इस इंटरवल में कितने बचे इस इंटरवल में कितने बचे कि सर आप इसके नीचे टो, टो, टोटल ट्वेंटी फोर पॉलिसी होल्डर हैं और इस लाइन के नीचे टोटल सिक्स हैं तो इन दोनों का डिफरेंस कर दो ट्वेंटी फोर में सिक्स को माइनस कर दो आपके पास आएगा एटीन एटीन कि इस ग्रुप में कितने आए 18 तो कैसे कर रहे हैं सर सबसे पहले तो ये बिलो है ना इसको हटाओ तो बिलो 20 को मैंने लिख दिया सर ये तो जीरो से स्टार्ट कर देता हूं जीरो से ट्वेंटी बिलो ट्वेंटी आपने रहने दिया एज इट इज रहने दिया नेक्स्ट इंटरवल आप इसका बनाओ कि सर ये आएगा नेक्स्ट से ट्वेंटी ट्वेंटी थर्टी देन उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा थर्टी से थर्टी देन उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा सर थर्टी से 40 देन उसके बाद हो जाएगा सर 40 से Then, उसके फाइव हो जाएगा सर 45 फाइव से फिफ्टी देन उसके बाद हो जाएगा सर फिफ्टी से फिफ्टी फाइव और लास्ट हो जाएगा सर फिफ्टी फाइव से लेके सिक्सटी तो अब मुझे इनकी फ्रिक्व... ये तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसीज ना मुझे तो फ्रीक्वेंसीज भी चाहिए मीडियन कैलकुलेट करना है ठीक है सर कंप्यूटर फ्रीकवेंसीज हम निकालते हैं लेकिन मुझे तो फ्रीक्वेंसीज भी चाहिए ना तो फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालू सर ये एज इट इज इसे एज इट इज रख दो इन दोनों का डिफरेंस करा यहां लिख दिया सर फोर इन दोनों का डिफरेंस करा यहां लिख दिया सर एटीन इन दोनों का डिफरेंस करा सर फोर्टी फाइव में से ट्वेंटी फोर माइनस करूंगा तो ये आएगा कितना ट्वेंटी वन इन दोनों का डिफरेंस करा एट में से फाइव थ्री सेवन में से फोर थ्री थर्टी थ्री इन दोनों का डिफरेंस करा कि सर देखो नाइन में से एट वन एट में से ये वन इलेवन इन दोनों का डिफरेंस करा सर कितना आएगा सर थ्री इन दोनों का डिफरेंस कर दिया इन दोनों का डिफरेंस देखा सर कितना है सिक्स और इन दोनों का डिफरेंस कितना है सर टू ये क्या फ्रीक्वेंसीज आ गई इस तरह से हम फ्रीक्वेंसीज डिफाइन कर देंगे इसकी तो अगर हमारे पास डेटा इस तरह से दिया हुआ होता है तो हमें कैसे हमें पता होना चाहिए कि कम्बिटेटिव फ्रिक्वेंसी फ्रीक्वेंसीज है तो हमने उसे फ्रीक्वेंसीज भी आइडेंटिफाई कर ली तो ये जो टेबल अब हमारे पास आ गई है हमने अभी बिलो ट्वेंटी टेबल को सबसे पहले तो ग्रुप में बना बनाया देन उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसीज भी निकाल ली और फ्रीक्वेंसीज तो ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको गिवन थी अब आपको क्या करना है सर मीडियन निकालना है मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सम पहले हम कंप्यूटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वो तो पहली निकली हुई है तो एन बाई टू अगर आप कैलकुलेट करोगे दैट इज कितना हंड्रेड अपॉन टू विच इज इक्वल टू फिफ्टी तो यानी कि फिफ्टी से जस्ट बड़ी कंप्यूटर फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करो देखो सर जस्ट बड़ी ये सेवेंटी एट आ रही है तो सेवेंटी एट आ रही है तो जिस क्लास की है उस क्लास को हमने क्या कहा कि सर ये क्लास हो गई हमारे लिए मीडियन क्लास मीडियन क्लास मीडियन क्लास और इस मीडियन क्लास की जो जो लोअर लिमिट है दैट दैट इज इज एल इसकी एफ और इससे ऊपर वाली क्लास की जो कम फ्रीक्वेंसी दैट इज सी एफ इंटरवेल कितने का है सर इंटरवल एच की वैल्यू हमारे पास है कितनी डिफरेंस है कितने का सर फाइव का सब हमें पता लग गया मीडियन के फॉर्मुले पुट कर देते हैं तो मीडियन इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं सर एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू यही लिखते हो वैल्यूज पुट करो देखो सर एल की वैल्यू एल की वैल्यू 35 फाइव प्लस एन बाई टू दैट इज 50 माइनस सी एफ कितना है सर 45 फाइव एफ कितना है F कितना है दैट इज 33 थ्री इन कितना है सर H कितना है H कितना है सर फाइव लिखा देखो सर ये थर्टी

जरा देखो 118 से 126 126 से स्टार्ट होना चाहिए था नेक्स्ट ग्रुप लेकिन वो स्टार्ट हो रहा है 127 से तो आपको इसको अलाइन करना मैंने सिखाया है अभी सिखाया था हमने जब मीन में भी कैलकुलेट कर रहे थे इस तरह के क्वेश्चंस में कितने का डिफरेंस है सर वन का वन का डिफरेंस है तो उसका क्या करेंगे हाफ किस डिफरेंस वन का था वन का डिफरेंस वन के हाफ कर दिया तो ये आएगा कितना 0.5 जितने का भी डिफरेंस है उसका हाफ कर दो हाफ करते ही हमें पता लग गया 0.5 अब मुझे क्या करना है लोअर लिमिट में से तो माइनस यानी कि आ या जाएगा सर 117.5 और अपर लिमिट में प्लस तो यह आ जाएगा 126.5 इसमें से तो माइनस यह आ जाएगा सर 126.5 और इसमें प्लस 135 0.5 इस तरह से सभी क्लासेस में हम कर सके इसको अलाइन कर सकते हैं तो ये हमारे पास नई टेबल ये तैयार हो जाएगी फ्रीक्वेंसीज आपको ऑलरेडी है तो सबसे पहले आप क्या करते हो मीडियन में, में कम्पिटेटिव फ्रीक्वेंसीज बताते हो कम्पिटेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते कैसे हैं सर तरीका हमें पता है कितना हो गया सर सेवनटीन सेवेंटीन और ट्वेल्व सर ट्वेंटी क्वेश्चन में गिवन था ना आपको टोटल नंबर ऑफ लीव्स कितने थे सर 40 लीव्स थे देख लो सर सम इन सभी फ्रीक्वेंसीज का सम 40 है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में लास्ट वैल्यू भी 40 आ गई अब आप क्या निकालोगे सर एन बाई टू यानी कि सर फोर्टी अपॉन टू विच इज इक्वल टू ट्वेंटी ट्वेंटी से जस्ट बड़ी कंपटेटिव फ्रिक्वेंसी पकड़ लो सर ट्वेंटी नाइन जिस क्लास की कंपटेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्लास मेरे लिए क्या हो गई सर मीडियन क्लास इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट दैट इज एल इसकी जो फ्रीक्वेंसी दैट इज एफ इसकी जो ऊपर वाली क्लास की कंपटेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज सी एफ इंटरवल कितने का है सर h की वैल्यू अगर आप पूछोगे तो इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है सर 126.5 में से 1 ये अगर लेस करूंगा तो डेसिमल में से डेसिमल पहले तो क्या 06 में से ये तो 9 आएगा h की वैल्यू आ गई 9 वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर तो मीडियन इज इक्वल टू फार्मूला लिखते हैं सर l n 2 cf f h तो यहां पे l की वैल्यू 144.5 n अपॉन एफ दैट इज ट्वेल्व इन टू एच 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 कितना है सर नाइन कैलकुलेट करें सर ये 144.5 प्लस ये हो गया कितना सर थ्री थ्री अपॉन ट्वेल्व इंटू नाइन थ्री से कैंसिल कर दूं फोर टाइम्स चला जाएगा तो वन फोर्टी फोर पॉइंट फाइव प्लस नाइन अपॉन फोर करेक्ट नाइन अपॉन फोर अब तो कैंसिल हो नहीं सकता तो नाइन में फोर का डिवाइड कर देते हैं सर ये आएगा वन फोर्टी फोर पॉइंट फाइव प्लस नाइन में फोर का डिवाइड करा पहले जाएगा टू टाइम्स देन डेसिमल फिर बच गया टेन तो ओ, 10 देन अगेन 2 और ये 5 तो इसको अगर मैं सम कर दूं ये इसके आगे एक और जीरो लगा देता हूँ, तो डेसिमल के बाद का सम 50 और 25 का सम 75 ये 146 146.75 ये इसका क्या हो गया आंसर मीडियम कैलकुलेट कितना इजी है तो मीन कैलकुलेट करने किस टाइम पे तो जरूर तीन फॉर्मूले आपने पढ़े थे क्योंकि एक डायरेक्ट मेथड था एक एज्यूमिंग मेथड था एक स्टेप डेविएशन मेथड था लेकिन मोड और मीडियम में तो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक एक फॉर्मूले हैं उनके इजीली लर्न हो जाते हैं याद कर सकते हैं उनके थ्रू

तो अगर मैं कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाऊं जो लोअर लिमिट किसी भी ग्रुप डेटा की लोअर लिमिट और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के बीच में हो तो उस केस में जो भी ग्राफ बनेगा वो क्या कहलाएगा उसका मोर देन टाइप वहीं लेस देन टाइप के अंदर हम क्या करते हैं कि सर ग्राफ बनाना है ग्राफ तो बनाना है तो ग्राफ बनाते समय हम बोलेंगे सर एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी तो हमेशा सर वाई एक्सिस पे बैठती है तो x एकस एक्सिस पे क्या आएगा अब की बार ग्राफ कैसा है सर लेस देन टाइप है तो जब लेस देन टाइप होता है तो उसमें हम क्या करते हैं अपर लिमिट को लेते हैं अपर लिमिट ग्रुप की अपर लिमिट को ले लेते हैं तो समझ में आ, इजी है बहुत ही इजी है देखो अब मैं इसको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं आपको जैसे ही आपके पास ऑब्जर्वेशन एक टेबल दिया हुआ है क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसीज गिवन है मुझे कंप्यटिव फ्रीक्वेंसीज बतानी है और कंप्यूटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करना है दोनों तरह से हम इसको करके देखेंगे मोर देन टाइप और लेस देन टाइप भी तो देखो सबसे पहले मैं इसका लेस देन टाइप वाला कर्फ बनाता हूँ तो लेस देन टाइप आपको दिमाग में फिट है सर लेस देन टाइप है तो ग्राफ बनाना है तो एक्स और वाई एक्स तो है ही यहाँ पे तो कंप्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए और इधर लेस देन टाइप है तो यहां पे क्या होगी सर? अपर लिमिट अपर लिमिट अब लेस देन टाइप में सबसे पहले मैं इसको बनाता हूं पहले भी क्लास की शुरुआत में बताया था ना कि इंटरवल होता है तो, लिखा हुआ है तो जीरो इंक्लूडेड है लेकिन टेन इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो हम अगर आ, इसको पढ़ेंगे, तो कैसे लिखेंगे मोर देन और इक्वल टू देन टेन इसे पढ़ोगे तो क्या बोलोगे सर मोर देन और तो यूज कर करता हूं अपर लिमिट को डिफाइन कर रहा हूं इसीलिए तो अगर मैं इसकी टेबल लिखूंगा तो मैं अगर इसके लिए दूसरी टेबल बनाता हूं इसको मैं लेस देन टाइप में कैसे लिखूंगा इसमें लेस देन लेस देन टेन देन उसके बाद क्या लिखोगे लेस देन 20, then less than 30, then less than 40, then less than 50, then less than

17 17 और 14 का सम 31 31 और 20 का सम 51 51 और 6 57 57 और 3 60 60 हो गया ये क्युम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ गई तो इन सबको अगर मैं इस टेबल को यूज करते हुए लेस देन में हमने कन्वर्ट कर दिया और ये क्युम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज तो हमारे पास अगर पॉइंट्स देखें ग्राफ बनाना है ना तो ग्राफ के लिए तो पॉइंट चाहिए तो सर एक्स x X's पे आप क्लास इंटरवल को बता रहे हो ठीक ये क्लास इंटरवल यानी कि लो अपर लिमिट को ले रहे हो तो ये आ गया 10 एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पे 7 ये पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट सर 20 17 तीसरा पॉइंट सर 30 31 चौथा पॉइंट सर 40 और 51 देन उसके बाद 50 और 57 एंड लास्ट पॉइंट इज 60 और ये 60 करेक्ट तो इन सभी पॉइंट को अगर मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दूं तो एक कर्व आएगा ये सभी पॉइंट्स को अगर आपने पहले जैसे पे, पे कलेक्ट किया ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया और इन सभी को ज्वाइंट करते हुए तो क्या कहलाएगा सर लेस देन टाइप लेस जाए ठीक है इतना सिंपल सा है बोलो हुआ अब अगर मुझे यही डेटा गिवन है मैं इन्हीं डेटा का अब मोर देन टाइप कर्फ बना के दिखाता हूं आपको तो मोर देन टाइप आपको तो पता है सर मोर देन टाइप के अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कर्फ तो बनाएंगे एक्स और वाई एक्सिस तो होगी होगी ठीक है एक्स और वाई एक्सिस होगी और एक्स एक्सिस तो y-axis पे y-axis पे क्या होगा सर क्युम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी x-axis पे क्या होती मोर देन टाइप के अंदर लोअर लिमिट होती है लोअर लिमिट होती है लोअर लिमिट क्यों आई इसका रीजन भी आपको पता है अब तो कि सर हमने लेस देन टाइप में जैसे देखा था इस इंटरवल को मैं पढूंगा तो कैसे बोलूंगा जीरो इसीलिए हम मोर देन टाइप ओजाइव के अंदर लोअर लिमिट को यूज करते हैं तो आप सबसे पहले इस क्लास को इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे हम लिखेंगे मोर देन मोर देन और इक्वल टू जीरो मोर देन और इक्वल टू टेन देन मोर देन और इक्वल टू ट्वेंटी मोर देन और इक्वल टू थर्टी मोर देन और इक्वल टू फोर्टी मोर देन इक्वल टू फिफ्टी बात क्लियर बात क्लियर अब कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी में जरा ध्यान रखने की बात है इसमें कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी के अंदर आप अगर बोल रहे हो सर मोर देन और इक्वल टू जीरो यानी कि जीरो से मोर देन वाले सब तो जीरो से मोर देन वाले तो सर ये वाला डेटा भी है ये भी आएगा सीधी सी बात है ना जैसे अभी हमने पढ़ा था कि सर जब आप मोर देन जीरो बोलते हो मोर देन जीरो के अंदर तो ये सब के सब इंक्लूड हो जाएंगे भी जीरो से more than है, ये जब मोर देन जीरो की हम बात करेंगे तो उसमें इन सभी फ्रीक्वेंसी का सम आप बताओगे और इन सभी का सम अभी आपने थोड़ी देर पहले भी निकाला था कितना था सिक्सटी याद है तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो मोर देन और 0 में क्युम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 60 आएगी लेकिन अब ये मोर देन 0 वाला हो गया अब मोर देन 10 10 वाला कर्व में मुझे निकालने के लिए 10 वाले कर्व 10 वाले ग्राफ के अंदर अगर मुझे निकालना तो क्या करना पड़ेगा सर 60 में से सिर्फ इसको लेस कर दो क्योंकि मोर देन 10 बोल रहे हो तो ये वाला इंटरवल ऊपर वाला जो है जो 0 से 10 वाला है इस ये इंटरवल तो काउंट ही नहीं आएगा ये तो इसमें आएगी नहीं क्लास मोर देन 10 के अंदर तो इस सर इसके नीचे वाली क्लास आ जाएगी इसके नीचे वाली क्लास आ जाएगी इन सब का सम तो इन सब का सम कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ सर इजी वे ही हो सकता है 60 में से आप 7 को माइनस कर दो 60 में से अगर 7 को मैं लेस कर दूं 60 में से 7 लेस किया तो ये आएगा मेरे पास 53 देन 53 में से अगर मैं इन सब का या तो इन सब का सम कर लो या फिर आप इन इन सब का सम करोगे तो आपको लेस नेक्स्ट वाले इंटरवल का पता लग जाएगा 14 ये 34 34 40 43 43 आ गया आप ऐसे भी निकाल सकते थे 53 में से 10 को माइनस करके 43 बता सकते थे ऐसे 43 में से अगर 14 को मैं लेस कर दूं तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा सर 29 29 में से 20 को लेस कर दूं तो सर ये 9 9 में से 6 लेस होगा तो सर ये बचेगा 3 ठीक है ये फ्रीक्वेंसीज आ गई तो मोर देन टाइप ओजाइव के अंदर ध्यान रखने का यही था कि सबसे पहले ये ये जो हम निकालते निकालते हैं हैं। किस तरह से निकालते हैं। तो ये हमारे पास आ गया टेबल हमारे पास ये तैयार हो गई तो अब मुझे ग्राफ ही तो बनाना है सर ग्राफ में मुझे पता है सर पॉइंट चाहिए तो आप हमें आप क्या ले रहे हो सर यहाँ पे लोअर लिमिट वाई एक्सिस पे क्या ले रहा हूं सर

और ये थ्री अब इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट कर दूं तो ये ग्राफ आएगा ये ग्राफ आएगा सर ये सबसे पहले देखो जीरो पे जीरो पे सिक्सटी टेन पे फिफ्टी थ्री देन ट्वेंटी पे फोर्टी थ्री थर्टी पे थर्टी पे ट्वेंटी नाइन फोर्टी पे फोर्टी पे नाइन फिफ्टी पे थ्री

मीडियम तो ये भी आपको क्लियर हो गया तो आई होप बच्चों आज के सेशन के अंदर हमने जो भी सीखा आपको सभी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस गाइस थैंक यू सो मच बाय टू ऑल बाय